हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रेनू वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल में। यहाँ हो रही है शिवांश की कटिंग, और कटिंग के लिए नाई बन गए हैं शिवांश के पापा, क्योंकि इस टाइम पे कोविड के टाइम पे बच्चों को बाहर ले जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बड़े जो होते हैं वो तो फिर भी जैसे बाहर जाके कटिंग करवा लेते हैं। हमारे पास ट्रिमर नहीं है तो ये कैंची से शुरू हो गया। कैंची ले ली है और कंघा ले लिया है। वैसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन लास्ट में मैं आप लोगों को लुक दिखाने वाली हूँ कैसा काटते हैं। और बाद में हमें ट्रिमर भी मिल गया था, ये अपने एक फ्रेंड का ट्रिमर लेके आए थे, उससे फाइनल लुक दे दिया था। लेकिन अभी देखिएगा क्या कुछ कर दिया है इसके सिर का हाल। ये देखो क्या बना दिया है, ऐसे ही कर दिया था सारी सिर को। आज मैं आपको मेरे घर के उस हिस्से में लेके आई हूँ। सबसे पहले तो वेलकम करती हूँ। एक बार रुक जा। हेलो जी, वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सबका ब्लॉग्स विद रेनू में। और एक नए ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 10 बजे से। और ये देखो अपने बहन जी क्या कर रही है। ये जो दूसरा वॉशरूम है ना, मम्मी और पापा जी का वो वाला वॉशरूम है, यहाँ पर धुल रहे हैं कपड़े मम्मी और पापा के। और हमारे घर में थोड़ा उल्टा है, एक बार रुक जा। तो ये कपड़े जो हैं ये धो रही है बेटी, बेटियाँ ही धोती हैं ये कपड़े हमेशा से, शुरू से, जैसे सबसे पहले जिनकी शादी होगी वो धोती थी पहले। माँ जो है ना, मतलब इनको टेंडर मिला हुआ है, ये ही धोएंगी। हम बहुओं से नहीं धुलवाएंगे, पोतियाँ धोएंगी, पोती ही धोती आई है। मतलब पहले वो धोती थी, उससे पहले मम्मी खुद धोती थी, बड़ी भाभियाँ थी ना उस टाइम पे, मम्मी खुद धोती थी। बहुत रोड़ो गाल दिया, एक बंद कर दूँ पानी में जोड़ो सही। तो ऐसा कुछ है, मम्मी नहीं धुलवाती हम लोगों से, नहीं धुलवाती क्या, पसंद नहीं आते हमारे धुले हुए। मतलब यूँ कहते हैं कि तुम लोग अच्छे नहीं धोते, और यहाँ पे ये बच्चों से धुले हुए पसंद आते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर ब्लॉग की स्टार्टिंग हो चुकी है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर दीजिए। और नहाना धोना क्लीनिंग डस्टिंग सब हो चुकी है, 10 बजे है। तो ना है, मैं थोड़ा आया। तू तो बाद में नहाओगी या डोलती रहे? हाँ। किन्ना उन्हें जगह काटती रहे। अभी तो माँ ने कहानी सुना दी ना। अभी माँ ने कहानी सुना क्या होगी, अब माँ उठी जाओगी ना, बैसाख की कहानी सुने माँ। वैसाख महीना चल रहा है ना, तो माँ रोज कहानी सुनती है, उसकी कथा करती है। तो ये पहले माँ के कपड़े, पापा जी के कपड़े धो के सुखा के फिर वहाँ जाके माँ को कहानी सुनाएगी। दूसरी बेटी है वो पापा जी की रोटियाँ बना रही है, मतलब रोटियाँ भी हमसे नहीं, ठीक है। और माँ जो है, माँ की रोटियाँ तो हम बना लेते हैं, लेकिन मैं बना लेती हूँ, भाभी से नहीं बनवाती। और जो बेटी है वो बना लेती है। देख कुछ है, दीवार का गेट का कितना लंबा होगा। ये गेट छोटा है, मैं देख जाना ना बड़ा होगा देना। मैं इधर और लंबी थोड़ी ना बढ़ूंगी, मैं बढ़ जाऊंगा। इतनी सी तो बढ़ गई। हां देव चार दिखा रहे, देव चार दिखा रहे। मैं इंडी को उठा रखी, मैं देख ली। और यहाँ पर देखिए, जब मैं बाथरूम के गेट में खड़ी थी तो राखी मेरे को कह रही थी आप कितने लंबे हो गए हो, ये बाथरूम पहले ना आपको इतना नहीं था, आप ज़्यादा लंबे हो गए हो। ये देखो मेरे एकदम सिर से लेके पैर तक टच हो रहा है इसका गेट। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे घर में ना जो दरवाजे हैं वो छोटे हैं, मेरी हाइट तो नॉर्मल है। वैसे मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, लेकिन ये जो गेट है इसमें मेरी और मम्मी, मेरी सास भी काफ़ी लंबी है, हम दोनों की ऐसे ही लगता है एकदम टच हो जाता है ऊपर से नीचे तक। जब हम खड़े होते हैं ना, जैसे ये जो धेड़ होती है ना, हम लोगों में धेड़ बोलते हैं इसको, इस आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं बताना मेरे को कमेंट में। इसके ऊपर जब मैं खड़ी होती हूँ ना तो एकदम टच हो जाता है। तो बस मेरी लंबाई नाप रही थी और मेरे साथ मजाक कर रही थी कि आप सबसे लंबे हो अपने घर में। वैसे ऐसा है नहीं, बस ये है कि मैं एकदम पतली हूँ और हाइट भी ठीक ठाक है, तो उस वजह से ना मैं लगती सबसे लंबी हूँ। साड़ी में तो कुछ ज़्यादा ही लंबी लगती हूँ, सलवार कुर्ती में नहीं लगती जितनी साड़ी में लगती हूँ। और लेगिन कुर्ती जो होती है ना उसमें भी बहुत ज़्यादा लंबी लगती हूँ। और यहाँ पर शिवांश के पापा आ चुके हैं, दोपहर का 1:30 बजे का टाइम है। साहब गए थे सुबह, जो अपना बेटा मैंने बताया था ना, जिसकी प्लेटलेट्स, पता नहीं यार मेरे को क्या बोलते हैं उसको, मैं प्लेट्स बोल रही थी अब तक, मुझे काफ़ी कमेंट आए उनमें, बताया कि प्लेट्स नहीं होती, प्लेटलेट्स कुछ ऐसा कुछ होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है। वैसे मैंने सुना, वो मैंने बोल दिया वीडियो में, और ये वो हॉस्पिटलाइज है उसी कारण से उसकी डाउन चली गई हैं। तो ये गए थे मॉर्निंग में, उसी के पास थे सुबह से, और कल नाइट में छुट्टी दिलवा के ले आए थे हम लोग, क्योंकि हॉस्पिटल में नाइट में रहना तो एकदम खतरे से खाली नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मतलब एक तो बंदा जो साथ जाता है वो भी बीमार हो जाता है पेशेंट के साथ साथ में,
तो ये रात को छुट्टी दिला के लाए थे और मॉर्निंग में फिर से दोबारा से हॉस्पिटलाइज कर दिया था। कटिंग भी करी आई है पीछे पीछा तो लाइन सुबह के निकले हुए सुबह के और अब दोपहर में 1:30 बजे घर आए। ये एक तो वो बिट्टू एडमिट है ना तो वहाँ उसके साथ थे। फिर उसके बाद में आते टाइम दोपहर में अब भैया जो है वो ड्यूटी से आए हैं, भैया उधर गए आगे घर आए। ये भी परेशानी आ गई है, पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी। सच में ना मतलब छोटी सी चीज होती है ना तो डॉक्टर के पास भागना पड़ता है। पहले जुकाम सर्दी खांसी होता था ना तो घर पे ट्रीटमेंट करने का सोचते थे, अब तो उसकी प्लेट्स डाउन बताइए छोटी सी बात पे। एक दिन के अंदर परसों तक तो सही सलामत खेल रहा था और कल तबीयत खराब हुई, कल प्लेट्स डाउन बता दी, आज हॉस्पिटलाइज, ऐसा चल रहा है। और ये कलर करवा के आए आते टाइम ना इनका दोस्त है ना ही है मुझे मिल के आया नहीं उनका घर आते टाइम वो जो होके आया ही तो कलर भी करवाया है। मैं तौलिया लिया खड़ी हूँ, भीतर जाऊँगी अब दिमाग की तरह महाराज उल्ट जा। तो और यहाँ पर शाम के खाने की तैयारी हो चुकी है, यहाँ मतलब लहसुन छीला जा रहा है साथ साथ। और ऐसे ही होता है जॉइंट फैमिली में, सारे होते हैं मेंबर, वो कोई कुछ काम करते रहते हैं। मैं सामने दिख रही हूँ कि आपको बर्तन साफ़ करने के लिए बर्तन इकट्ठे कर रही हूँ सारे, और भैया और मम्मी पी रहे हैं चाय। हम लोगों ने शाम की चाय छोड़ दी है, गुड न्यूज़ है ना। बहुत दिन से मैं सोच रही थी छोड़ने का लेकिन नहीं छोड़ी जा रही थी। अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है ना, गर्मी में चाय पीने का मन नहीं करता, एकदम ऐसा लगता है कि गर्मी और ज़्यादा लगने लग जाएगी। तो हमने दोनों ने चाय बंद कर दी ही, मम्मी की सामने नीचे रखी दिख रही होगी। और ये सिवास है ना, एक चिड़िया का अंडा जो है उसके घोंसले से नीचे गिर गया था, तो वो चिड़िया जो है वो उसका एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, इसने अपने डिब्बे में बंद कर रखा है। मना करने के बावजूद ये नहीं रख रहा, उसको कह रहा है इसमें से ना इसके बच्चे को मैं निकालूंगा, मैं पालूंगा इसका बच्चा, इसको ऐसे रखूंगा तो वो बच्चा अपने आप बाहर आ जाएगा, फिर उसको मैं पाल लूंगा। और यहाँ पर भैया भी हमारे सीताराम के नाम लिखते हैं, देखो ये रहे। वैसे मेरी फैमिली में जितने मेंबर हैं ना, हमारे को छोड़ के मतलब मेरे को नैनी के पापा को छोड़ करके सभी सीताराम के नाम लिखते हैं। दोपहर का जो टाइम होता है ना उसमें बैठ जाते हैं अपनी नोटबुक लेकर के और अपना जो टाइम होता है ना वो इस तरीके से स्पेंड करते हैं ये नाम लिख करके, जिससे कि टाइम भी अच्छे से स्पेंड हो जाता है और भगवान का नाम भी लिया जाता है। यहाँ पर सारे बर्तन इकट्ठे कर ले, देखो कितने सारे हो जाते हैं। दोपहर के खाने के हो चुके थे पहले ही, ये जो दोपहर के खाने में हमने खाली किए और बच्चों ने पानी वानी पिया वो है, शाम को बिल से एक बना वो है, और दूध गर्म जो हुआ है, शाम को चाय बनी है, वो बर्तन है, कितने सारे बर्तन हैं। एक मेरे पास कमेंट आया था कि ऐसे धीरे धीरे बर्तन धोती है जैसे बर्तन को लग जाएगी, तो मैं एक बात बता दूँ आपको, यहाँ पर जब मैं बर्तनों को वो साबुन लगा के जब मैं रखती हूँ ना तो 5 मिनट नहीं होते उससे पहले वो साबुन है ना वो सूख जाती है, एकदम सूख जाती है। और ये जो मुड्ढी है ना ये मेरे सेट नहीं बैठती, मैं लोहे वाली मुड्ढी पे बैठती हूँ हमेशा, वो मेरे को मिल नहीं रही थी बैठने की मुड्ढी, मतलब पाटा वो मुझे मिल नहीं रही थी, तो ये थोड़ा सा अजीब सा मेरे को महसूस हो रहा था इस पे बैठ के बर्तन धोने में। वैसे ज़्यादातर सिंक में बर्तन धोए हैं तो ऐसे नीचे बैठ के ना थोड़ा कंफर्ट भी नहीं होता, लेकिन क्या है अब हमारे सिंक नहीं है तो मुझे इस तरीके से धोने पड़ेंगे। और इतने सारे बर्तन हैं अब इनमें सारों में सूख भी चुके हैं, 15 मिनट बाद तो एकदम सूख जाते हैं, कुछ भी इसके अंदर होता है ना एकदम सूख के ना उसका एकदम वो होता है ना खुरंड बोलते हैं हम लोगों में, वैसा हो जाता है, उतरता भी नहीं है, बहुत बुरी तरह से जूना लोहे का रगड़ते हैं ना तब जाके उतरता है वो। और यहाँ पर समझ लीजिए इतने बर्तन धोने में मुझे आधे से पौन घंटा लग जाएगा। मैं लोग कहते हैं कि मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, लोग मतलब जो मेरे व्यूवर है वही कहते हैं मेरे को जो देख रहे हैं वीडियो में, लेकिन मैं यार आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी, मैंने एक टिफ़िन सेंटर चलाया है पूरे 1 साल खुद के दम पे चलाया है, मैंने 25 किलो आटे की रोटियां 2 दिन में सेकी हैं, तो अगर मैं स्लो चलती मेरा काम इतना ही स्लो होता तो मैं वो कैसे कर पाती। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर उस तरीके से अरेंजमेंट्स नहीं है, वो जो सहूलियत होती है ना हम अपने घर में होती है, मैं यहाँ रही नहीं हूँ, वैसे होने को मेरा खुद का घर है लेकिन मैं यहाँ रही नहीं हूँ, मेरे अनुसार ये कुछ भी सेटलमेंट है नहीं। हम जिस घर में रहते हैं ना वहाँ पर अपने हिसाब से सेटलमेंट्स कर लेते हैं, यहाँ मेरे हिसाब से कुछ भी सेटल हुआ नहीं है अभी, धीरे धीरे होगा। तो मेरे पास यहाँ बर्तन बैठ के धोने पड़ते हैं, हमेशा से सिंक में धोने की आदत थी और वहाँ हर चीज़ मेरे हाथ के नीचे मेरे द्वारा सेट की हुई थी,
तो उसमें काम करने में फास्ट काम होता था, काम करने में मज़ा भी आता था। यहाँ पर मुझे ये समझने में ही टाइम लग जाता है कि किस तरीके से क्या करना है। मुझे खुद को समझ नहीं आता कि मैं यहाँ पर सेट कैसे हूँ, लेकिन बस ये है कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ यहाँ पर फैमिली है तो यहाँ रहने में कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, लेकिन वो परेशानियाँ धीरे 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 कम हो जाएंगी, कुछ मेरी आदत में शामिल हो जाएंगी। और अगर रही काम धीरे करने की बात तो धीरे कर लेंगे, लेकिन होएगा तो सही ना, काम तो होएगा, ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं हो रहा। अब जो चूल्हे के बर्तन हैं वो थोड़े काले रह जाते हैं, लेकिन ये सामने देख चीज देख रहे हैं आप, ये गैस की है तो मैं इसको थोड़ी ना काला कर रही हूँ। तो जो मेरे डाउट्स थे मैंने आप लोगों के सामने, मतलब जो मुझे परेशानी थी मैंने आप लोगों के सामने शेयर की है, और सारे बर्तन मेरे धुल चुके हैं। तो हम मिल रहे हैं आप लोगों से डायरेक्ट शाम के 4:30 बजे, और व्लॉग की एंडिंग करने के लिए दोनों आ चुके हैं। मैंने सोचा दोनों एक साथ व्लॉग की एंडिंग करेंगे, छत पे बैठे थे, इन्होंने देखो हेयर वॉश किए थे, कलर करवाया है ना, ऑयल नहीं डाला है अभी, ये दोबारा से अच्छे से साबुन से धोएंगे ना, अभी बिना साबुन के नहाएंगे ना दोबारा। अब शाम को गर्मी है और इतनी गर्मी है भगवान, रुद्रपुर अच्छा था ठीक है। तो व्लॉग की एंडिंग करते हैं हम यहीं पे, हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मैं आप लोगों से एक बहुत अच्छे ब्लॉग के साथ में बहुत जल्द मिलती हूँ, ठीक है, बाय।